असलम जी, आई एम डॉक्टर शहजाद, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर को आज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। फ्रोजन शोल्डर पे वैसे तो डिटेल में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे प्रोवाइड करूँगी। आज जो मैं फ्रोजन शोल्डर की आपके बारे में बताना चाह रही हूँ, आज मैं उसकी कुछ एक्सरसाइज बताना चाह रही हूँ, कुछ वर्जिशें बताना चाह रही हूँ कि आप फ्रोजन शोल्डर को उन वर्जिशों के जरिए कैसे रिकवर करेंगे। उसके लिए इसमें होता क्या है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा फ्रोजन शोल्डर खुल गया था, कंधा जाम खुल गया था, लेकिन अगेन फिर कंधा जाम की कंडीशन आ गई और हम लोग इससे रिकवरी कभी भी नहीं हासिल कर सकते। तो ऐसा नहीं होता, अक्सर लोग जो है जब कंधा खुल जाता है तो अपनी वर्जिशों को छोड़ देते हैं, डिले कर देते हैं, या फिर सोचते हैं कि वो बिल्कुल रिकवर हो गया है, जिसकी वजह से उनका कंधा जाम का इशू फिर दोबारा आ सकता है, क्योंकि वो अपनी रूट कॉज यानी कि उसकी जड़ को रिकवर नहीं कराते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, जब आपका कंधा खुल जाता है तो इन एक्सरसाइज के थ्रू आप फिर दोबारा कंधे जाम की कंडीशन से बच सकते हैं। जी, तो ये सबसे पहला स्टेप है, आपने अपने हाथों से किसी वॉल पे इस तरीके से फिंगर्स के साथ अप करना है और देखना है कि जहाँ तक आपकी रेंज जाती है पॉसिबली आप करें। और दूसरी चीज़ ये, आपने अपनी वॉल के साथ खड़े होना और देखना है कि कहाँ तक आपका कंधा खुल रहा है, और उसको थोड़ा सा नीचे से फोर्स लगाने की कोशिश करनी है अपवर्ड। तीसरा, ये आपने ये इस तरीके से अपने बाजू को नीचे की तरफ करके घुमाना है, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद आपने पुली और कोक व्हील का इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अपने बाजू को अच्छे से रोटेट कर सकें, गोल घुमा सकें, जितना इजीली आपसे हो सके ये करना है। कोशिश करें कि इससे पहले आप किसी कंसल्टेंट से रابطہ करें, किसी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कायरोप्रैक्टर से रابطہ करें, जो कि आपको बेहतर एक्सरसाइज गाइड कर सकें। अब हर एक फ्रोजन शोल्डर की रूट कॉज अलग होती है, इनकी रूट कॉज के अकॉर्डिंग ही इनका ट्रीटमेंट होता है और वही बेहतर रहता है। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप कंधा खुलने के बाद जो अगर लगातार करते रहें तो आप अपनी कंधा जाम की कंडीशन से बच सकते हैं। लास्ट ये है कि आपने किसी को बोलना है कि आपके शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जैसे कि इस स्टेप में मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपने पेशेंट को बोलना है कि वो आगे की तरफ फोर्स लगाए, अपना बाजू दोनों बंद करने की कोशिश करें, यानी कि आइसोमेट्रिक्स। और इससे क्या होगा कि उसके मसल्स को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, और ये उसको हील करने में उसके लिए बेहतर रहेगा, और फिर दोबारा कंधा जाम की कंडीशन से बचने में ये वर्जिश बहुत ज़्यादा मुफीद है।